हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम में से सभी को कम या ज़्यादा मीठा खाना पसंद होता ही है। उसमें खीर, सेवइयाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कितने सारे ऑप्शन होते हैं। तो आज मैं आप सभी को एक सिंपल तरीके से सेवइयाँ बनाकर दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। कभी कभी हमारे घर में बहुत सारा दूध बच जाता है, उसमें से हम अक्सर दही निकाल लेते हैं या छेना बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सेवइयाँ बनाकर भी खानी चाहिए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैंने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर घी डाल दिया और सेवइयों को थोड़ा सा भून लिया। और मैंने दूध गर्म करके ही रखा था, इसीलिए मैंने दोबारा दूध गर्म नहीं किया। और फिर मैंने दूध को डाल दिया सेवइयाँ में। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया तेज़पत्ता, एक इलायची, और मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं 2 चम्मच ही चीनी डालूंगी। और जो ये सेवइयाँ है, ये 2 जनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने 2 जनों के लिए बनाया है। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी का मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं किशमिश। आप जो भी ड्राई फ्रूट चाहे अपना फेवरेट, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी हो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जो भी मेरे आसपास आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसको थोड़ा अवॉइड करना। एक्चुअली हमारे घर में चल रहा है काम, इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है। और आप सभी को कैसे वीडियोस देखना पसंद है वो भी मुझे बताना, और ये सेवइयाँ की रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में बताना। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और यहाँ पर मैंने कटोरी में ये गरम गरम सेवइयाँ डाल दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।